जबकि मेरी बहनों ये सहाबियात ये उम्मातुल मोमिनीन मेरे और आपके लिए हर स्टेज में नमूना है। अगर आप एक बेटी है तब भी आपके लिए नमूना है, अगर आप एक बहन है तब भी आपके लिए नमूना है, अगर आप बीवी है तब भी आपके लिए नमूना है, अगर आप एक माँ है तब भी आपके लिए नमूना है, बेहतरीन नमूना। अकबर खदीजा रदी अल्लाह अन्हा के वो तारीखी अल्फाज अपने शौहर को किस तरीके से तसल्ली देती है, अपने शौहर को किस तरीके से हिम्मत देती है, अपने शौहर की खूबियाँ बयान करते हुए किस तारीखी अल्फाज में आपकी हौसला अफजाई करती है, कहती है कल्ला वल्लाही ला युक्दीक अल्लाह अबदा। अल्लाह के नबी अल्लाह आपको हरगिज़ ज़ाय नहीं करेगा। आप लोगों के साथ सिला रहमी करते हैं, आप बोझ दूसरों का बोझ उठाते हैं और आप कमज़ोरों की मोहताजों की मदद करते हैं और इसी तरह आप मेहमानों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। अल्लाह आपको कभी ज़ाय नहीं करेगा। किन हालात में अपने शौहर की तसल्ली कर रही, किन हालात में अपने शौहर को हिम्मत दे रही। मेरी बहनों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ बयान करते हुए अल्लाह के नबी को हौसला दे कि हमको उनके नक्शे कदम पर चलना होगा, हमको उनकी सीरत अपनाना होगा, उनकी सीरत जैसी अपनी सीरत बनाना होगा, जिसके नतीजे में अल्लाह ने वादा किया कि जब तुम उनके नक्शे कदम पर चलोगे तो हमने तुम्हारे लिए जन्नतें तैयार कर रखी है, ऐसी जन्नतें जिनके नीचे से हमेशा नहरें बह रही होगी, जिनकी नेमतें कभी ख़त्म नहीं होगी, और ऐसी नेमतें जिसको ना तुम्हारी आँख ने देखा न दुनिया की किसी आँख ने उसको देखा। अल्लाह, मगर शर्त यह है कि तुमको उनके नक्शे कदम पर चलना होगा जिनके नक्शे कदम पर चलने का अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया, ऐलान किया और हुक्म दिया। आज हमारे माशरे में मायूस समझा जाता है तलाक याफ्ता का दूसरा निकाह होना, और किसी का शोहर का इंतकाल हो जाता है तो उनके दूसरा निकाह करना मायूस समझा जाता है। लेकिन अरब का यह तरीक़ा था कि किसी औरत को तन्हा नहीं रखा जाता था, फौरन उसका निकाह कर दिया जाता था। तो इस रिवाज को आम करने की ज़रूरत है, इस तरीक़े को अपनाने की ज़रूरत है। जब हम इस तरीक़े को अपनाएंगे तो याद रखना वल्लाह आज हमारे माशरे से कई बुराइयों का खातिमा हो सकता है, कई गुनाह का खातिमा हो सकता है, अगर हमने इस तरीक़े को अपनाया और इस सुन्नत को अपनाया। बिलआलमीन والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد النبي أولى بالمؤمنين بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم। मेरी इस्लामी माओ और बहनों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से IEC इस्लामिक एजुकेशन सेंटर पर इस्तकबाल करती हूँ। मेरी इस्लामी माओ और बहनों, हम इस संडे से इंशाअल्लाह एक बेहतरीन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस सीरीज़ का नाम है उम्महातुल मोमिनीन सीरीज़। इस सीरीज़ का नाम उम्महातुल मोमिनीन सीरीज़ है। उम्महातुल मोमिनीन के क्या माने हैं? उम्मत की माएँ। अच्छा, ये उम्मत की माएँ कौन है? उम्महातुल मोमिनीन कौन है? हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ। तो इंशाअल्लाह हर संडे एक एक उम्मुल मोमिनीन की सीरत आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को उम्महातुल मोमिनीन और सहाबियात की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमा, आमीन। तो मेरी बहनों, सबसे पहले इस सीरत को रखने का सबसे बड़ा मकसद यह है कि जिस तरह के आज हमारे हालात चल रहे हैं, मौजूदा दौर के फितने चल रहे हैं, ऐसे हालात में वेस्टर्न कल्चर को देखते हुए, वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हुए हमारी ख़वातीन और हमारी बहनें उन लोगों को अपना रोल मॉडल बना रही, उन लोगों को अपना रोल मॉडल चूज़ कर रही है जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, जो इस्लाम के नाम को नहीं जानते, ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल बना रही है। ऐसे हालात में मेरी बहनों, आप लोगों के सामने सहाबियात की सीरत रखना बहुत ही ज़रूरी था, जबकि मेरे और आपके रोल मॉडल कौन है?
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने कहा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तहकीक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए बेहतरीन नमूना है। तो हम जिस रसूल के, ये जिस रसूल की बीवियाँ हैं उम्महातुल मोमिनीन, हम उनकी सीरत पढ़ने जा रहे हैं, हम उनकी सीरत देखने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। मेरी बहनों, आज हमारी ख़वातीन और आज हमारी माएँ उन लोगों की बायोग्राफी जानने में, उन लोगों की बायोग्राफी को सुनने में इंटरेस्ट रखती है जिनका अल्लाह और उसके रसूल से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि उनको जिनकी सीरत जाननी थी, जिन पाकबाज ख़वातीन की सीरत को अपनानी थी, वो उनसे बहुत दूर होती चली। नतीजा क्या हुआ मालूम? नतीजा ये हुआ कि हम दीन से इतने दूर होते चले गए, हम दीन से इतनी दूर होती चली गई कि हमारा रिश्ता दीन से सिर्फ इतना हो गया जितना रिश्ता हमारा हमारे दूर के रिश्तेदारों से होता है। कितना होता हमारे दूर के रिश्तेदारों से हमारे रिश्ता? कभी कभार अगर मुलाकात हो जाती तो हाय हेलो सलाम, इतना ही हमारा रिश्ता दीन से होता गया, जिसकी वजह से हम दीन से बहुत दूर होते चले गए मेरी बहन। और आज हम जिस तरीक़े से हमारी माएँ अपनी बच्चियों को लेकर बहुत परेशान हैं और अपना बेबसी का रोना औरों के सामने रोती है, अब हमारी बच्चियां हाथ से निकल गई और उनकी बच्चियां खुद की औलाद, माँ बाप अपने हैं, औलाद भी अपनी है, उसके बावजूद औलाद वालिदैन के ख़िलाफ़ गैर इस्लामी लोगों से के साथ शादियाँ करना, ये क्या है मेरी बहन? ये हमारा ये कल्चर किस वजह से हुआ, ये किस वजह से हुआ ये वाक़ियात? इसकी बहुत बड़ी वजह हम खुद, क्यों? क्योंकि हमने अपनी बच्चियों को, हमने अपनी लड़कियों को नबी की तालीमात नहीं बताई, हमने उनकी सीरतें, हमने उन पाकबाज ख़वातीन की सीरतों को नहीं बताया जिनके सीरत को बताना चाहिए था, जिनकी सीरतें उनको सिखानी चाहिए थी, हमने उनकी सीरतों को नहीं बताया, जिसकी वजह से हमारी औलाद दीन से इतनी दूर होती चली गई। उनको ये नहीं मालूम कि उनको किन के सीरत पर चलना है, किन के नक्श कदम पर चलना है, उनको अपनी ज़िंदगी किसके जैसी बनाना है, वो नहीं जानती। अल्लाहु अकबर। जबकि मेरी बहनों, ये सहाबियात, ये उम्महातुल मोमिनीन मेरे और आपके लिए हर स्टेज में नमूना है। अगर आप एक बेटी है तब भी आपके लिए नमूना है, अगर आप एक बहन है तब भी आपके लिए नमूना है, अगर आप बीवी है तब भी आपके लिए नमूना है, अगर आप एक माँ है तब भी आपके लिए नमूना है, बेहतरीन नमूना है। तो मेरी बहनों, इंशाअल्लाह इसी मुनासिबत के वजह से हम आपके सामने सीरत खदीजा रखने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। तो इसी तरह मेरी बहनों, तो हम जानते हैं, आइए जानते हैं खदीजा रदियल्लाहु अन्हा की सीरत, उम्महातुल मोमिनीन की सीरत। हम उनकी ज़िंदगी को देखते हैं कि किस तरह अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के जज्बा उनके पास था। मेरी बहनों, ये वो उम्महातुल मोमिनीन हैं जिनके घरों में दो दो महीनों तक चूल्हा नहीं जलता था, दो दो महीने तक उनके घरों में खाने की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी सिवाय दो चीज़ों के, पानी और खजूर पर गुजारा करती थी। उसके बावजूद उनके चेहरों पर कोई शिकायत नहीं होती थी, उनके चेहरों पर कोई बल नहीं हुआ करता था, उनके चेहरों पर कोई मायूसी नहीं हुआ करती थी। ये वो उम्महातुल मोमिनीन है जिनकी हम सीरत पढ़ने जा रहे मेरी बहनों। अच्छा, अब मुझे बताइए, ये उम्महातुल मोमिनीन नबी की बीवियाँ कितनी थी? कितनी, 13 या 11? बाज़ों ने कहा कि नबी की 13 बीवियां थी और बाज़ों ने कहा कि नबी की 11 बीवियां थी, लेकिन राजह बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां थी। कितनी थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां थी जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया और दुखूल किया। कौन कौन सी है? हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा, सऊदा बिनत ज़मअ रदी अल्लाह अन्हा, आयशा रदी अल्लाह अन्हा, हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रदी अल्लाह अन्हा, इसी तरह जुवेरिया रदी अल्लाह अन्हा, मैमूना रदी अल्लाह अन्हा, सफ़िया रदी अल्लाह अन्हा, उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा, उम्मे हबीबा रदी अल्लाह अन्हा, ज़ैनब बिन्त जहश रदी अल्लाह अन्हा। कितनी हुई? 11। अल्लाह के नबी के कुल कितने बीवियाँ थे? 11 बीवियाँ थे, और दो बीवियाँ ऐसे थे जिनका इंतकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात में हो गया था। कौन कौन से? खदीजा रदी अल्लाह अन्हा और ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रदी अल्लाह अन्हा। ये दो उम्महातुल मोमिनीन का नबी के ज़िंदगी में इंतकाल हो चुका था, बाकी 9 बीवियाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात तक आपके साथ रही और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद आपका इंतकाल हुआ।
तो इंशाअल्लाह हम उम्महातुल मोमिनीन में से। अच्छा मेरी बहनों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बीवियों पर बहुत लोगों ने बहुत एतराज़ किया, क्यों नबी की इतनी बीवियाँ, क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शादियाँ क्यों की, बहुत एतराज़ किए गए, ऐसा क्यों। मेरी बहनों, सबसे पहले दो बातें जान लेना चाहिए, दो बातों को अच्छी तरह याद रखना चाहिए। सबसे पहली बात, नबी ने इतनी बीवियाँ इसीलिए किया, ये अल्लाह का हुक्म था। अल्लाह के हुक्म पर मुझे और आपको कोई इजाज़त नहीं है कि उसमें कोई और बात दाखिल करे। यह सबसे पहली बात अल्लाह का हुक्म था और अल्लाह ताला उसकी मसलियत को खूब जानता है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन रोल मॉडल बनाया इस उम्मत के लिए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, हमने तुमको अल्लाह के नबी को बेहतरीन नमूना बनाया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हर एतबार से नमूना है, हर एतबार से नमूना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को बताने के लिए, हर तरीक़े से बताने के लिए, हर मोड़ से बताने के लिए एक बीवी काफ़ी नहीं थी। हर मसले को बताने के लिए, हर चीज़ को बताने के लिए नबी की एक बीवी काफ़ी नहीं थी। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने निकाह किए। इसकी बहुत बड़ी वजह थी मेरी बहनों, बहुत इसके अंदर हिकमतें हैं मेरी बहनों। लेकिन बस बेअक़ल लोगों ने ये कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिशात की वजह से और शहवत की वजह से इतने निकाह किए। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह की पना, अल्लाह की पना, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाहिशात के तलबगार होते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल तक सिर्फ एक बीवी के साथ गुजारा करते। 53 ईयर्स तक आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक बीवी थी, वो कौन थी? अम्मा खदीजा रदियल्लाहु अन्हा। 53 साल तक आपने सिर्फ खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के साथ ज़िंदगी गुजारी, और अगर ऐसा होता तो अल्लाह के नबी हज़रत खदीजा की ज़िंदगी में और निकाह करते। अल्लाह के नबी ने 53 साल की उम्र तक खदीजा रदियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी में एक भी निकाह नहीं किया सिवाय खदीजा के। और इसी तरह फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भी निकाह नहीं किया नबी खदीजा के ज़िंदगी में। और इसी तरह जवानी की उम्र तो 40 तक होती है, ख्वाहिशात की उम्र तो 40 तक होती है, लेकिन 53 साल तक अल्लाह के नबी ने कोई शादी नहीं की। और अगर ऐसी बात होती तो अल्लाह के नबी के 11 बीवियों में सिवाय आयशा रदियल्लाहु अन्हा के कमारी और बाकिरा के, एक आयशा रदियल्लाहु अन्हा को छोड़ करके बाकी तमाम के तमाम बेवा थी और तलाक याफ्ता थी। अल्लाह के नबी चाहते तो पूरे 11 बीवियां कंवारी करते। अल्लाह के नबी ने सिवाय आयशा के अल्लाह के हुक्म से तमाम के तमाम बेवा और मुतल्लका थी। जबकि अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम कंवारी औरतों से शादी करो, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु ने जब शादी की, उन्होंने अल्लाह के नबी को आकर बताया तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ए जाबिर, तुमने कंवारी औरत से शादी क्यों नहीं की? अल्लाह के नबी कंवारी औरत से निकाह करने का हुक्म दिया, आप भी कंवारी से करते। लेकिन अल्लाह के नबी ने सिवाय आयशा के अपनी ज़िंदगी में तलाक याफ्ता और बेवासी की तमाम निकाह। तो उन बेअक़लों को ये सोचना चाहिए कि अल्लाह की बहुत बड़ी मसलहत थी उम्महातुल मोमिनीन के पीछे। और ये उम्महातुल मोमिनीन को अल्लाह ताला ने यूं ही नहीं चुना, बल्कि एक बहुत बड़ी इनकी कुर्बानियाँ इस्लाम के लिए। ये वो उम्महातुल मोमिनीन है मेरी बहनों, जो अल्लाह के नबी के साथ साथ और अल्लाह के नबी के तकलीफ में साथ रहती। अल्लाह के नबी जब पेट पर पत्थर बांधते तो यह भी अपने पेट पर पत्थर बांध कर ज़िंदगी गुजारती, तकलीफ़ें उठाती, मशक्क़तें बर्दाश्त करती, लेकिन अल्लाह के नबी के मिशन में, अल्लाह के नबी के काम में अल्लाह के नबी का साथ देती। और दीन पहुँचाने के लिए, हम तक दीन पहुँचाने के लिए, उम्मत तक दीन पहुँचाने के लिए उन्होंने हर तरह की मेहनतें की। हज़रत आयशा को ही ले लीजिए, उनसे कितनी सारी अहादीस मौजूद है, कितनी सारी अहादीस मरवी है उनसे। उन्होंने इतनी अहादीस उम्मत के लिए छोड़कर चले गए। अगर आयशा ना होती तो हम तक वो बातें नहीं आती अल्लाह के नबी की। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी की कई बातें हज़रत आयशा ने नकल किया। तो इससे अंदाज़ा लगाइए मेरी बहनों, उम्महातुल मोमिनीन की दीन को पहुँचाने के लिए बड़ी 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 कुर्बानियाँ। ये वो उम्महातुल मोमिनीन है मेरी बहनों, जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको इतना बड़ा मकाम दिया। इतना बड़ा मकाम देते हुए कहा कि ये उम्मत की माएँ हैं, अब इनसे कोई निकाह नहीं कर सकता, ये उम्मत की माएँ हैं। माँ का दर्जा दिया अल्लाह तबारक व तआला। इसी तरह अब आइए हमारे असल उनवान की तरफ। हमारा जो आज का उनवान है यहाँ पर, सीरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा।
ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी होने, हजरत खदीजा रदी अल्लाहु अन्हा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले बीवी होने का शर्फ हासिल हुआ। ये वो अम्मा खदीजा रदी अल्लाहु अन्हा है जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया था, जिस वक्त हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी, 25 साल थी। और खदीजा रदी अल्लाहु अन्हा एक बहुत ही फेमस शख्सियत थी, अपने ज़माने की बहुत ही नामवर शख्सियत थी। ज़माने जाहिलियत में मक्का के लोग, ज़माने जाहिलियत में खदीजा रदी अल्लाहु अन्हा को अल अफीफा ताहिरा के लक़ब से जानते थे। यानी ज़माने जाहिलियत में जहाँ पर जिना आम था, चोरी आम थी, हर तरह की बुराइयाँ आम थी, उसके बावजूद भी हजरत खदीजा रदी अल्लाहु अन्हा ताहिरा पाकबाज के नाम से जानी जाती थी। और इसी तरह हजरत खदीजा एक बहुत मालदार खातून थी, तिजारत के फन में बहुत माहिर, तिजारत के फन में एक बहुत माहिर खातून थी। ये तिजारत के फन को जानती थी और ये इंटरनेशनल बिजनेस करती थी घर बैठे। यानी लोगों को अपना माल दिया करती थी और लोगों, जब लोग माल का पैसा ला कर देते तो उसमें प्रॉफिट तकसीम करती थी। इस तरह नबी हजरत खदीजा रदी अल्लाहु अन्हा इंटरनेशनल बिजनेस किया करती थी। हजरत खदीजा को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो उनके बिजनेस को अमानतदारी के साथ और सच्चाई के साथ आगे ले जाए। तो वहीं पर खदीजा रदी अल्लाहु अन्हा ने अल्लाह के नबी की अमानतदारी, अल्लाह के नबी मक्के में पहले से अमीर और सादिक के लक़ब से मशहूर थे, तो खदीजा रदी अल्लाहु अन्हा ने जब अल्लाह के नबी के बारे में सुना कि आप अमीर हैं और सादिक हैं, तो अल्लाह के नबी को ये ज़िम्मेदारी दी, तो अल्लाह के नबी ने इस ज़िम्मेदारी को कबूल किया। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत यानी बिज़नेस क्या करते थे हजरत खदीजा के साथ। और इसी तरह हजरत खदीजा जब अल्लाह के नबी को बिजनेस के लिए भेजती तो उनके साथ अपने गुलाम मैसरा को साथ में भेजती। जब मैसरा अल्लाह के नबी के साथ बिजनेस में हुआ करते तो अल्लाह के नबी के हर वो मामले पर गौर करते, अल्लाह के नबी के अखलाक पर गौर करते। जब तिजारत से वापस आते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक मैसरा खदीजा रदी अल्लाहु अन्हा के सामने सुनाते कि अल्लाह के नबी ऐसे थे, ऐसे थे, लोगों के साथ ऐसा किया, बहुत लोगों ने अल्लाह के नबी को ऐसा किया, इतनी तारीफें बयान करते कि अल्लाह के नबी के अखलाक जैसे मैंने नहीं देखा। फिर अल्लाह खदीजा रदी अल्लाहु अन्हा देखती है कि पहले जितना प्रॉफिट आया करता था उससे कई गुना प्रॉफिट अब अल्लाह के नबी की वजह से आ रहा है, तो बहुत मुतासिर होती है अल्लाह के नबी से और अल्लाह के नबी के अखलाक को देख करके आगे बढ़कर अल्लाह के नबी से निकाह का पैगाम अल्लाह के नबी के यहाँ भेजती। तो अल्लाह के नबी इस पैगाम को कबूल करते और जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खदीजा रदी अल्लाहु अन्हा से निकाह होता, उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और अम्मा खदीजा की उम्र 40 साल थी। तो मेरे और आपके लिए यहाँ पर बहुत अहम नुक्ता है, वो क्या नुक्ता हो सकता है? आज हमारे माशरे में जिस तरह एज डिफरेंस को लेकर के बहुत फितने हो रहे हैं, यानी अगर लड़की लड़के से एक साल तो छोड़ो, अगर एज बराबर भी हो जाए तब भी रिश्ता रिजेक्ट हो जाता है ना? कहीं ना कहीं एज की वजह से, एज डिफरेंस को लेकर हमारे माशरे में कहीं ना कहीं फितना ज़रूर होता है। इसकी वजह क्या है? जबकि मेरे और आपके लिए खदीजा रदी अल्लाहु अन्हा तो रोल मॉडल थी। अल्लाह के नबी ने खदीजा से निकाह किया और अल्लाह के नबी के सामने खदीजा की उम्र तो 15 साल बड़ी थी, उसके बावजूद आपस में दोनों का मामला कैसा था, मोहब्बतें कैसी थी। इब्ने हजर अस्कलानी रहिमहुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी खदीजा रदी अल्लाहु अन्हा के साथ, कभी अल्लाह के नबी खदीजा रदी अल्लाहु अन्हा पर गुस्सा भी नहीं हुए, कभी आपसे नाराज़ भी नहीं हुए। हालांकि एक शोहर होने की वजह से कभी शोहर को बीवी पर और बीवी को शोहर पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन अल्लाह के नबी को खदीजा रदी अल्लाहु अन्हा पर कभी गुस्सा नहीं आया। अल्लाहु अकबर। ये वो मामलात थे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा खदीजा के साथ। लेकिन आज हमारे माहौल में क्या हो गया कि हमने अखलाक को तरजीह देने के अलावा हमने एजों को, एज के डिफरेंस को तरजीह दिया, बल्कि हमने कई चीज़ों को सामने रखते हुए हमने दीन को छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज हमारी ज़िंदगियां फितना बन चुकी।
और एक दूसरा पहलू इससे ये निकलता है मेरी बहनों, आज हमारे माहौल में जितनी लड़कियां हैं जिनका तलाक हो गया या फिर जो बेवा है, उनको चाहिए कि मसलहत को देख करके वो निकाह करें। आज हमारे माशरे में मायूस समझा जाता है तलाक याफ्ता का दूसरा निकाह होना, और किसी का शोहर का इंतकाल हो जाता है तो उनके दूसरा निकाह करना मायूस समझा जाता है। लेकिन अरब का यह तरीक़ा था कि किसी औरत को तन्हा नहीं रखा जाता था, फौरन उसका निकाह कर दिया जाता था। तो इस रिवाज को आम करने की ज़रूरत है, इस तरीक़े को अपनाने की ज़रूरत है। जब हम इस तरीक़े को अपनाएंगे तो याद रखना वल्लाह, आज हमारे माशरे से कई बुराइयों का खात्मा हो सकता है, कई गुनाह का खात्मा हो सकता है, अगर हमने इस तरीक़े को अपनाया और इस सुन्नत को अपनाया। ये नसीहत है मुझे और आपको अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी से मिलती है। और इसी तरह फिर जब निकाह हो जाता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्दवाजी ज़िंदगी में खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ रहते हैं। इसी तरह फिर अल्लाह के नबी का दिल दुनिया से उचाट हो जाता, लोगों का दूसरे बुतों की पूजा करते देखकर अल्लाह के नबी का दिल एकदम उचाट हो जाता, और अल्लाह के नबी कई कई दिन गारे हिरा में चले जाते इबादत करने के लिए, और कई कई दिन तक वापस नहीं आते। और खदीजा रदियल्लाहु अन्हा जब आप सामान ख़त्म हो जाता तो घर वापस आते और अम्मा खदीजा आपको सामान तैयार करके देती और फिर आप वापस चले जाते। और इसी तरह इसी दौरान गारे हिरा में आने जाने के दौरान ही अल्लाह के नबी पर एक बहुत बड़ी नबूवत की जिम्मेदारी डाली गई। वो क्या जिम्मेदारी थी? सूरह अलक की 5 आयतें आप पर नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم। अल्लाह के नबी पर बहुत बड़ी नबूवत की ज़िम्मेदारी डाली गई। अल्लाह के नबी बहुत घबराते, जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ये देखते तो बहुत घबराते और घर आते, बहुत घबराते हुए हालत में घर आते और अम्मा खदीजा से कहते, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, खदीजा मुझे उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। अल्लाह के नबी की यह हालत देखकर खदीजा रदियल्लाहु अन्हा आपको चादर उड़ा देती। जब आप थोड़ी देर आराम करते आपको सुकून मिलता तो अल्लाह के नबी उठते और खदीजा रदियल्लाहु अन्हा से पूरा वाकया सुनाते कि खदीजा मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ और मुझे अपनी जान का ख़तरा लग रहा है, मैं क्या करूँ। अल्लाहु अकबर, खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के वो तारीख़ी अल्फाज अपने शोहर को किस तरीके से तसल्ली देती है, अपने शोहर को किस तरीके से हिम्मत देती है, अपने शोहर की खूबियाँ बयान करते हुए किस तारीख़ी अल्फाज में आपकी हौसला अफजाई करती है, कहती है, कल्ला वल्लाही ला युक़दी कल्लाहु अबदा, अल्लाह के नबी अल्लाह आपको हरगिज़ ज़ाय नहीं करेगा, आप लोगों के साथ सिला रहमी करते हैं, आप बोझ दूसरों का बोझ उठाते हैं और आप कमज़ोरों की मोहताजों की मदद करते हैं और इसी तरह आप मेहमानों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, अल्लाह आपको कभी ज़ाय नहीं करेगा। किन हालात में अपने शोहर की तसल्ली कर रही, किन हालात में अपने शोहर को हिम्मत दे रही। मेरी बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ बयान करते हुए अल्लाह के नबी को हौसला दे रही। मेरी बहनों, लेकिन आज हमारी ख़वातीन, आज हमारे माहौल में अगर शोहर किसी मामले में परेशान हो तो हमारे नज़दीक छोड़ो जी जान दो, वो क्या ले लेके बैठे, ऐसा बोलते नहीं। जबकि अम्मा खदीजा का तरीक़ा देखिए, अम्मा खदीजा की जो अंदाज़ था हिम्मत का, जो तसल्ली देने का जो अल्फाज था, उसको तारीख़ ने महफूज कर दिया आने वाली उम्मत के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदीजा किस तसल्ली देती है, बेहतरीन अल्फाज, और सिर्फ तसल्ली ही नहीं देती बल्कि खदीजा रदियल्लाहु अन्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वरका बिन नौफल के पास ले जाती। ये वरका बिन नौफल कौन थे? चचेरे भाई थे, खदीजा रदियल्लाहु अन्हा का चचेरा भाई थे और ये ईसाई आलिम थे। उनके पास ले जाती और पूरा वाकया सुनाती, अल्लाह के नबी के साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तो जो वरका बिन नौफल थे, ये ईसाई आलिम थे, यानी तौरात ज़बूर इनके पास कई किताबों का इल्म था, यानी उस ज़माने की ईसाई थे। तो उन्होंने कहा कि ये वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था, और ज़रूर ये वही फरिश्ता है, और आपको चंद दिन बाद आपकी कौम आपको मक्का से निकाल देगी। अल्लाह के नबी कहते हैं कि मुझे मेरी कौम निकाले, हाँ जो पैगंबर या फिर जो भी नबी इस पैगाम को लेकर के आया, ऐसा पैगाम लेकर आया, उनकी कौम उनको निकाल दी उनके शहर से। तो उसके बाद और वरका बिन नौफल ये अल्फाज कहते हैं कि अगर मैं जब तक ज़िंदा रहूं तो मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूंगा। उसके ये वाक़े के 3 दिन बाद ही वरका बिन नौफल का इंतकाल हो जाता है।
तो इसी तरह जब तसल्ली दिलाती हजरत खदीजा रदी अल्लाह ने अपने चचेरे भाई के पास लेकर के, इतना ही नहीं बल्कि सबसे पहले इस्लाम लाने वाली यही अम्मा खदीजा है। अल्लाह के नबी पर सबसे पहले ईमान लाती है, और अल्लाह के नबी पर ईमान ही नहीं लाती बल्कि अल्लाह के नबी के हर वो मामले में साथ देती, अपनी तिजारत के ज़रिए, अपने माल के, अपनी हर वो चीज़ के ज़रिए अल्लाह के नबी का साथ देती। जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ़ें उठाते दीन की खातिर, वहीं हम खदीजा भी साथ हुआ करती। ये बहुत बड़ा पैगाम है मेरी बहन। अल्लाह के नबी खदीजा रदी अल्लाह अन्हा हमारी माओं और बहनों के लिए एक बेहतरीन नसीहत है, जहाँ पर घर के जिम्मेदारी को देखते हुए खदीजा रदी अल्लाह अन्हा औलाद की तरबियत को देखते हुए वहीं अपने शौहर के मिशन में साथ दे रही है, फिर साथ नहीं बल्कि अम्मा खदीजा भी खुद तबलीग का काम कर रही। जहाँ पर अल्लाह के नबी लोगों को तबलीग का काम करने के लिए जाते, लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए जाते, तो वही खदीजा घर में जो मेहमान आते, जो उनके रिश्तेदार होते, जो उनकी सहेलियाँ होती, उनको अल्लाह का पैगाम बताती, तौहीद का पैगाम बताती। और अल्लाह के खदीजा रदी अल्लाह अन्हा के 6 औलाद थे, 4 बेटियाँ थे, 2 बेटे थे। 4 बेटियाँ कौन कौन सी? रुखैया, उम्म कुलसुम, ज़ैनब, फ़ातिमा, 4 बेटियां थी और 2 बेटे थे, खासिम और अब्दुल्ला। इनके होते हुए अल्लाह के नबी का ये साथ दिया करती थी, और फिर औलाद की तरबियत भी इस तरीक़े पर कि औलाद की इनकी औलाद, ये 4 बेटियां और 4 ये 4 सहाबियात और अल्लाह के नबी की 4 बेटियां हमारे लिए उसवा और नमूना है। और अल्लाह के नबी ने कहा कि फ़ातिमा तो जन्नत की सरदार, जन्नत की औरतों की सरदार। ऐसी तरबियत, फिर शौहर का साथ, तबलीग का काम, अल्लाहु अकबर, हमारे लिए बेहतरीन नसीहत है मेरी बहन। अम्मा खदीजा रदी अल्लाह अन्हा की खिदमात इसी तरह गारे हिरा के अलावा, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग छुप छुप कर करते हैं। अल्लाह के अल्लाह ताला ने आपको छुप छुप कर तबलीग करने का हुक्म देता है, तो अल्लाह के नबी छुप छुप कर लोगों को जाते और इस्लाम की तबलीग का काम करते, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व ताला ऐलानिया तबलीग करने हुए हुक्म देता कि अब जाओ और खुल्लम खुल्ला इस्लाम की तबलीग करो। तो जब अल्लाह के नबी इस्लाम की खुल्लम खुल्ला तबलीग करने के लिए जाते, तो लोग आपके साथ बदसलूकी करते, और अल्लाह के नबी कोहे सफ़ा यानी सफ़ा की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह का पैगाम सुनाते, एक एक कबीले का नाम लेकर अल्लाह का पैगाम देते और तौहीद की दावत देते। तो आपका चचा कौन था? अबू लहब। आपका चचा क्या करता है? उसको बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि ना तब्बल्लक या मुहम्मद, ना ए मुहम्मद, तुम पर बर्बादी हो, क्या तुमने इसीलिए मुझको जमा किया, इसीलिए हमको जमा किया? अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी इतनी बातें बर्दाश्त करते, इतनी बातें बर्दाश्त करते, अल्लाह के नबी के साथ बदसलूकी की जाती, अल्लाह के नबी को तरह तरह के अल्फाज कहे जाते। इसी वजह से जब अबू लहब ने कहा कि तब्बल्लक या मुहम्मद, अल्लाह को इतना गुस्सा आता है कि उसी के जवाब में अल्लाह ताला एक पूरी सूरत नाजिल करता। कौन सी सूरत? तब्बत यदा अबी लहब, ए अबू लहब, तेरे दोनों हाथ पैर टूट जाए, तू बर्बाद हो जाए। जब ये आयत, जब ये सूरत नाजिल होती, तो अबू लहब का बहुत गुस्सा आता, और वो क्या करता मालूम? एक बहुत बड़ा कारनामा करता। क्या करता मालूम? अल्लाह के नबी की 2 बेटियाँ रुखैया और उम्मे कुलसुम का निकाह अबू लहब के 2 बेटों से हुआ रहता, यानी अल्लाह के नबी 2 बेटों का निकाह उतबा उतीबा, जो अबू लहब के 2 बेटे थे, उनसे रुखैया और उम्मे कुलसुम का निकाह होता, लेकिन रुख्सती नहीं होती। तो अबू लहब क्या करता? अपने बेटों से कहता कि उन दोनों को तलाक दे दो। तो दोनों के दोनों को तलाक हो जाती, अल्लाह के नबी बहुत गमजदा होते। जहाँ पर अल्लाह के नबी गमजदा होते, तो अम्मा खदीजा एक माँ के लिए, एक माँ के दिल पर जब दो दो बेटियों का तलाक रुख्सती से पहले, कितना बड़ा वाकया, कितनी तकलीफ़ होती है एक माँ के दिल पर। अम्मा खदीजा ने इसको बर्दाश्त किया और इस्लाम की राह ने इस रुकावट को रुकावट नहीं समझी। तलाक हो जाए, लेकिन इस्लाम पर डटी रही, इस्लाम पर साबित कदम रही और अल्लाह के नबी का साथ देता रहा। उसके बदले क्या हुआ मालूम? अल्लाह के नबी की बेटी का निकाह हजरत उस्मान बिन अफ्फान जैसी शख्सियत के साथ हुआ। अल्लाहु अकबर। इससे क्या पैगाम मिलता है मुझे और आपको? आज हम अपनी औलादों को लेकर के किसी तरह भी बस निकाह हो जाए, हम ये चाहते हैं। किसी तरह से भी हमारी बच्चियों की शादियां हो जाए, ये चाहते हैं। ना तो हम हलाल और हराम की तमीज़ करते हैं, ना अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को तोड़े जाने की फिक्र करते हैं। बस अगर बेटियों की शादी हो जाए बस काफ़ी। हमने अल्लाह और उसके रसूल को हर तरह अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को हर तरीक़े से हम तोड़ते हैं।
लेकिन अम्मा खदीजा कुर्बान जाइए, तलाक हो जाए कोई बात नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं, लेकिन इस्लाम को वो नहीं छोड़ी, इस्लाम के खिलाफ उन्होंने अमल नहीं किया। तलाक को बर्दाश्त की लेकिन इस्लाम पर साबित कदम रही, और उसके बदले अल्लाह तबारक तआला ने उनके लिए बेहतरीन जरिया बना दिया। उस्मान बिन अफ्फान जिद्दार शख्सियत के साथ उनकी बेटी का निकाह हो गया। तो ये मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा पैगाम है मेरी बहनों। जहाँ पर हज़रत खदीजा रदी अल्लाह उन्हा ने हर तरह की तकलीफ़ें उठाई, तो एक और बड़ा वाक़िया अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में आया। वो कौन सा? शेब अबी तालिब यानी घाटी का वाक़िया। शेब अबी तालिब के अंदर बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब को 3 साल तक क़ैद कर दिया गया था, यानी इस्लाम पर दुश्मनी की वजह से, दोनों इख्तलाफ की वजह से अबू बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब दोनों कबीलों को, जिसके अंदर अल्लाह के नबी शामिल थे, इस्लाम ये अहले इस्लाम शामिल थे और काफिर दोनों शामिल थे, उसके अंदर खदीजा रदी अल्लाह अन्हा भी 3 साल तक क़ैद थी। हज़रत अम्मा खदीजा रदी अल्लाह अन्हा 3 साल तक मशक्क़तें बर्दाश्त करती। वो ऐसी शेब अबी तालिब ऐसी घाटी थी जिसके अंदर न खाने के लिए होता था, न पीने के लिए होता था, लोग पत्तों को चबा चबा कर खाते, भूख की वजह से पानी नहीं मिलता था। ऐसी हालत में 3 साल तक क़ैद कर दिया गया था। अम्मा खदीजा वहीं से बीमार होती चली। हज़रत खदीजा जब बीमार हो गई, और अम्मा खदीजा रदी अल्लाह उन्हों उसके बीमार होने के बाद से अब वो सेहत याफ्ता नहीं हुई, बल्कि उसी के थोड़े ही दिन बाद 65 साल की उम्र में अम्मा खदीजा रदी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन जैसे ही हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ, अल्लाह के नबी बहुत गमजदा होते, बहुत गमजदा होते। क्यों? क्योंकि अम्मा खदीजा जो आपका इंटरनल सपोर्ट था, जो आपको सपोर्ट किया करती थी, जो आपका अंदरूनी सपोर्ट था, वो आपकी ज़िंदगी से चला गया था। अल्लाह के नबी बहुत गमज़दा होते, बहुत गमज़दा होते। और अल्लाह के नबी यही, इसी वजह से मेरी बहनों, इसी यही वो खदीजा है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों से उनके ऊपर सलाम भेजा। सही बुखारी व मुस्लिम की हदीस है, अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु रावी हदीस है, अल्लाह के नबी जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अम्मा खदीजा आपके पास आ रही है, खदीजा आपके पास तशरीफ़ ला रही है, एक बर्तन लेकर के आ रही जिसमें खाना और पानी है, जब वो आपके पास आ जाए तो उनको अल्लाह की तरफ से और मेरी तरफ से सलाम कहना, और उनको खुशखबरी दे देना कि जन्नत में उनके लिए हीरे और जवाहरात का महल तामीर किया गया। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी खुशखबरी। और कहा कि वो एक ऐसा महल है जिसके अंदर ना शोर गुल होगा, ना शोर शराबा होगा, ना ही कोई थकावट होगी। अल्लाहु अकबर, एक ऐसे बेहतरीन महल की खुशखबरी दे दिया अल्लाह ताला। मेरी बहनों, ये महलों की खुशखबरी आज हम ख्वातीन को ही मिल सकती है, मगर शर्त यह है कि हमको उनके नक्शे कदम पर चलना होगा, हमको उनकी सीरत अपनाना होगा, उनकी सीरत जैसी अपनी सीरत बनाना होगा, जिसके नतीजे में अल्लाह ने वादा किया कि जब तुम उनके नक्शे कदम पर चलोगे तो हमने तुम्हारे लिए जन्नतें तैयार कर रखी है, ऐसी जन्नतें जिनके नीचे से हमेशा नहरें बह रही होगी, जिनकी नेमतें कभी ख़त्म नहीं होगी, और ऐसी नेमतें जिसको ना तुम्हारी आँख ने देखा, न दुनिया की किसी आँख ने उसको देखा। अल्लाह, मगर शर्त यह है कि तुमको उनके नक्शे कदम पर चलना होगा, जिनके नक्शे कदम पर चलने का अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया, ऐलान किया और हुक्म दिया। ये वो खदीजा थी मेरी बहनों। अब उसके बाद अल्लाह के नबी ने खदीजा रदी अल्लाह उन्हों की खसूसियत बयान करते हुए, फजीलत बयान करते हुए कहा, अनस बिन मालिक हदीस के रावी तिर्मिज़ी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 औरतें फजीलत वाली, कौन कौन सी? मरियम बिनते इमरान, खदीजा बिनते खुवैलिद, फातिमा बिनते मोहम्मद, और फिर ओन की बीवी आसिया। ये 4 औरतें फजीलत वाली और अफजल तरीन ख़वातीन अल्लाह के नबी ने उनको कहा। अल्लाहु अकबर। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खदीजा रदी अल्लाह उनका इंतकाल हो जाता तो आप उनकी इतनी तारीफ करते, इतना उनका जिक्र फरमाते कि आप कभी थकते नहीं थे। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी जब भी आप खदीजा का जिक्र करते हैं तो आप उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते, इस्तिग़फ़ार करते, इस्तिग़फ़ार करते, कभी थकते नहीं। हज़रत अम्मा आयशा बयान करती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मेरे सामने खदीजा की तारीफ़ कर रहे थे, खदीजा का जिक्र कर रहे थे, तो मैंने कहा, अय अल्लाह के नबी, वो बुढ़िया के बदले अल्लाह ने आपको एक बीवी अता की, फिर भी आप उसका जिक्र कर रहे? तो अल्लाह के नबी बहुत गुस्सा हो जाते, अल्लाह के नबी की शक्ल बदल जाती, अल्लाह के नबी की सूरत बदल जाती।
जब आयशा रदी अल्लाह ने कहती है कि आयशा ने जब अल्लाह के नबी की ये सूरत देखी तो डर गई। अल्लाह के नबी ने जब आयशा की सूरत देखा कि डर गई तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुमने यूँ किए, ये बात क्यों कही? जबकि वो खदीजा थी, उन्होंने जब मेरे मुझ पर उसने जब उस वक्त ईमान लाया, ये वो खदीजा थी, उसने ऐसे वक्त में मुझ पर ईमान लाया जिस वक्त लोगों ने मुझे झुठलाया था, लोगों ने मुझे बुरा भला कहा था, ऐसी वक्त उस खदीजा रदी अल्लाह ने मुझ पर ईमान लाई। ये वो खदीजा है जब लोगों ने मुझे छोड़ दिया, जब लोगों ने मुझे ठुकरा दिया, वैसे हालत में अम्मा खदीजा ने मेरा साथ दी और अल्लाह ताला ने मुझे खदीजा से औलाद दी और तुम में से किसी बीवी से औलाद अल्लाह ने मुझे नहीं दी। ये वो अम्मा खदीजा की फजीलत है। मेरी बहनों, अम्मा खदीजा रदी अल्लाह ने की सीरत को सिर्फ वाकियात को पढ़ना या सिर्फ वाकियात को सुनना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। इनके वाकियात को, सीरत को सुनाना तो इस वजह से है कि हम इनके नक्शे कदम पर चलें, लेकिन असल मकसद तो कुछ और है। सबसे पहला मकसद तो हमारा ये होना चाहिए कि इन नबी की बीवियों की सीरत को पढ़ते हुए, नबी की बीवियों की सूरत को जानते हुए हम अपनी सीरत को ऐसे बनाने की कोशिश करें और अपनी तरबियत इन नबी की सीरत, नबी की बीवियों की सीरत जैसे बनाएं और अपनी औलाद की सीरत वैसे बनाएं जैसे उम्महातुल मोमिनीन की सीरत थी। और अल्लाह के नबी की बीवियां जिस तरह रसूल अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का जज्बा उनके पास मौजूद था, वैसे जज्बा मेरे और आपके अंदर आना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को तरजीह दिया, बाकी दुनिया को उन्हें छोड़ दिया, उसी तरीके से मुझे और आपको अल्लाह और उसके रसूल के लिए जब भी अल्लाह उसके रसूल का हुक्म आ जाए तन मन धन हर तरीके से उठ जाना चाहिए और अल्लाह उसके रसूल को तरजीह देना चाहिए। यह बहुत बड़ा पैगाम मिलता है। हर हालत में हज़रत खदीजा एक नाज़ो नियम में पलने वाली खातून, एक बड़ी मालदार खातून, कितने नखरों से उन्होंने अपने घर में परवरिश पाई, उसके बावजूद जब अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह का हुक्म आया और अल्लाह के रसूल के साथ की बात आई तो उन्होंने हर तरीक़े से अल्लाह के नबी का सपोर्ट किया, अपने अल्लाह के नबी के खातिर मशक्क़तें उठाई, दीन की खातिर कई दिनों तक उन्होंने भूखा रहा। तो ये पैगाम है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत सबसे बढ़कर इताअत है और मुझे और आपको उन सहाबा और सहाबियात की सीरत को अपनाने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम को उम्महातुल मोमिनीन की सीरतों को अपनाने की तौफीक दे, हमको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम आमीन व आखिर दुआवान अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।